हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदु विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत। आज दोस्तों मैं अपने आलू के खेत से बथुआ लेने आई हूं। तो देखिए इतना सारा बथुआ हमने खोट लिया और हम खोटते हैं, और हमारे साथ हमारा अभिनंदन भी खेत में आता है दोस्तों। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे आलू के खेत में कितना बड़ा बड़ा बढ़िया अच्छा सा बथुआ हो गया है। तो देखिए ये हमारे आलू के खेत का बथुआ है। हम इस तरह बथुआ को खोट ले रहे हैं। खोटने से दोस्तों और बथुआ में कल्ला निकलेगा। तो घूम घूम के हम खेत से बथुआ लेंगे दोस्तों। तो बथुआ दोस्तों सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और पौष्टिक तत्वों से भरपूर भी। हमने आलू के खेत में घूम घूम के बथुआ खोट रहे हैं। दौड़ू क्या? हाँ बेटा, इसको दौड़ू। तो गांव में दोस्तों इसी तरह खेत से बढ़िया ताजा ताजा बथुआ खोट के ले जाते हैं लोग और रेसिपी बनाते हैं। उधर कहीं से गए टोकरी लेके आ रहा हूँ। हाँ बेटा, टोकरी लेके आ रहा हूँ, कहीं से चली गई। पूरे खेत से ढूंढ ढूंढ के बथुआ ले रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने जरूरत के हिसाब से बथुआ को खोट लिए हैं। देखिए इतनी सारी बथुआ हमने ले लिया, हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए आप भी हमारे रसोई घर में चलते हैं। क्या आप, मैं लेके चलती हूँ ना, आप गिर जाओगे। आप आराम से चलो। चाचा नमस्ते, ठीक है? और चाचा ठीक है? क्या नाश्ता हो गया? मैं लेके चलूं बेटा, अभी आप छोटे हो, तुम ले चलोगे? तो दोस्तों देखिए हमारा बाबू नहीं मान रहा, कह रहा मैं लेके चलूंगा। ये लेके चल रहा है बथुआ को। गिरा मत देना बेटा, गिरा मत देना। चला। तो बथुआ हमने ले लिया दोस्तों। आज हम डबल रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आइए हम लौकी को तोड़ते हैं। तो लौकी तोड़ने से पहले हम आपको दिखा देते हैं सर्दी के साथ हमारी लौकी का बेल कैसे फैली हुई है दोस्तों। तो देखिए हमारे लौकी के पेड़ में बतिया लगा हुआ है, दो तीन बतिया इधर है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारी गांव की सबसे प्यारी हमारी अम्मा है, हमको बहुत प्यार करती हैं और हमारे गांव में सबको हंसाती बुलाती रहती हैं। बहुत अच्छी अम्मा है ये। और ठीक है अम्मा? हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ जाती हैं? खेते जाता है। अच्छा, सरसों देख नीलगा खेत। तो देखिए हमारी अम्मा इस उम्र में भी नीलगा खेदने जाती है, जा रही है खेत। तो हम आए हुए हैं अम्मा, हम लौकी तोड़ रहे हैं। चलो तोड़ लियो। तो देखिए हमारे लौकी के पेड़ में इतनी बड़ी लौकी आई हुई है दोस्तों, इसी को हम तोड़ेंगे। तो देखिए हम लौकी किस तरह तोड़ रहे हैं। इस तरह करने से लौकी आराम से टूट जाती है। तो देखिए लौकी टूट गई, हमने लौकी को घुमा के तोड़ा हुआ है। तब हम रख लेते हैं डलिया में। ना मैं ले लूँ ना, भारी हो गया। तो देखिए हमारे बाबू नहीं मान रहा है, ये लौकी लेके चल रहा है। तूले चलो, तूले चलो, तो तू ले। लौकी लेके हम घर आ गए। तो हमने चावल को चढ़ा दिया था, चावल हमारा हो गया, हम चावल को चला देते हैं। चूल्हा हमारा जल रहा है दोस्तों, हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम डाल देते हैं पानी। तो हम प्रेशर कुकर को ढक देते हैं दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ की दाल दोस्तों, यानी सपैता। हमारे गांव में सपैता बोलते हैं, और लौकी का रायता। पानी हमारा गर्म हो रहा है दोस्तों, हम बथुआ को धो लाते हैं और दाल को। तो बथुआ को हम धो लाए दोस्तों, हम बथुआ को काट लेते हैं। तो आज हम बथुआ को दोस्तों चाकू से काट रहे हैं। देखिए इस तरह हम काट रहे हैं। तो प्रेशर कुकर का पानी हमारा गर्म हो गया। प्रेशर कुकर में डाल देते हैं दाल। दाल हमने धो लिया। तो
हमारे दाल में उबाल आने लगा। देखिए हम जो दाल में माही होती है उसको हम निकाल देते हैं। तो अब हम दाल में डाल देते हैं बथुआ। तो आज दोस्तों हम अपने गांव के तरीके से दाल बनाने जा रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में हमने बथुआ को डाल दिया दोस्तों। तो हम प्रेशर कुकर को ढक देते हैं और उबाल आने देते हैं। ढक्कन उठाते हैं और दाल को देखते हैं। तो दाल को हम चला देते हैं और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारी दाल पक रही है हम दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हम लौकी लेके आए हैं देखिए कितनी बढ़िया नरम हमारी लौकी है। लौकी को इस तरह हम छील लेते हैं। लौकी को हमने छील लिया दोस्तों, आगे पीछे का भाग भी काट दिया। तो हम लौकी को धो लेते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो हमारे प्रेशर कुकर से दोस्तों 3-4 सीटी आ गई है। तो हम प्रेशर कुकर को उतार लेते हैं नीचे और चूल्हा हमारा जल रहा है दोस्तों। तो हम चूल्हे पे रख देते हैं। तक पानी हमारा गर्म हो रहा है दोस्तों, हम घिस लेते हैं लौकी। तो लौकी को हम काट लेते हैं दोस्तों। तो लौकी को हमने काट लिया दोस्तों। तब हम लौकी को कद्दूकस करते हैं। तो हमारा छोटा बाबू बड़े ध्यान से देख रहा है दोस्तों। अच्छा लग रहा है घिसते हुए। आज इसका हम रायता बनाएंगे, खाओगे? लौकी का रायता पसंद है तुम्हें? तो लौकी हमारी नरम है दोस्तों, बढ़िया अच्छा सा कद्दूकस हो जा रहा है। इतनी सारी लौकी हमने कद्दूकस कर लिया। आप हमारी वीडियो में बने रहिए, इसी तरह हम सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो पानी हमारा गर्म हो गया दोस्तों, पानी को उतार लिया। तो हम दाल को घाट देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने दाल को घाट दिया, कितनी बढ़िया हमारी दाल चुरी हुई है दोस्तों। तो अब हम दाल में डाल देते हैं गरम पानी। अब दाल में हम डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार हम डाल दे रहे हैं नमक। अब हम दाल को ढक देते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम तैयार कर लेते हैं तड़का। तो देखिए हमारी दाल कैसे पक रही है। तो दाल हमारी पक रही दोस्तों, हम दाल में डाल देते हैं हींग। हींग से दोस्तों सकपहिता बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो दाल को हमने उतार लिया, चूल्हे पे हम रख दिए हैं बटली। बटली में दोस्तों हमने आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब हम बटली में डाल देते हैं घिसी हुई लौकी को। ढक देते हैं दोस्तों और लौकी को उबाल लेते हैं। तो हम ढक्कन उठाते हैं, लौकी को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी लौकी बढ़िया अच्छे से पक गई है, कलर चेंज हो गया है। तो हम बटली को उतार लेते हैं। तो लौकी को दोस्तों हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। आज दोस्तों हम बथुआ के सकपहिता के साथ लौकी का रायता बना रहे हैं। तो जब तक हमारी लौकी ठंडी हो रही है तब तक हम भून लेते हैं जीरा। जीरा हमारा चटक रहा है। अब हम तावे को उतार लेते हैं। दोबारा से हम तावे को रखते हैं चूल्हे पर। डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया दोस्तों, हम तेल में डाल देते हैं लहसुन और हरी मिर्च। तो तड़के को हम चला देते हैं और ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा तड़का पक चुका है, बढ़िया ब्राउन कलर का हो गया है। तो हम दाल को छौंक देते हैं। तो हम दाल में मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी परफेक्ट बढ़िया स्वादिष्ट दाल बनकर तैयार हो गई। अब हम बना लेते हैं रायता। हमने दही को मथ लिया, चाहे तो इसमें पानी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें गाढ़ा गाढ़ा रायता बनाना है। तब हम इसी में डाल देते हैं कद्दू कस करी हुई और उबाली हुई लौकी।
तो दही में लौकी हमने डाल दिया दोस्तों। अब हम लौकी को मिला लेते हैं। तो अब हम इसी में डाल देते हैं दोस्तों नमक। तो नमक हम स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं दोस्तों। और इसी में हम डाल दे रहे हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर से दोस्तों रायता में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम नमक और जीरे को भी रायता में मिला देते हैं। तो दोस्तों आप इस स्टेप पर चाहें तो इसमें धनिया की पत्ती भी काट के डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा को सादा रायता पसंद है दोस्तों। तो हमारा रायता दोस्तों बनकर तैयार हो गया। देखिए हमारा रायता भी कितना बढ़िया परफेक्ट बना हुआ है दोस्तों। कैसे बनता है? अब हम खाने को सर्व करते हैं। तो चावल को हमने सर्व कर लिया। अब हम सर्व करते हैं सतपैता। तो सकपैता भी हमने सर्व कर दिया दोस्तों। अब हम तो देखिए दोस्तों हमने कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा रायता बनाया है। तो लौकी का रायता दोस्तों सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। तो लो पापा खाओ और बताओ कैसा लग रहा है सकपैता और रायता। तो दोस्तों हमने अपने मम्मी पापा को खाना सर्व कर दिया। पापा खाना खाइए और बताइए कैसे लग रहा है। बहुत टेस्टी है बच्ची, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या प्रशंसा करूँ खाने की। चलिए हमारे पापा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है खाना। तो रायता कैसे लग रहा है पापा जी? अब हम अपने मम्मी से पूछते हैं, मम्मी जी खाना कैसे लग रहा है? अरे बेटी जी हमारी अच्छी बनाई है, खाना अच्छा बना है। तो देखिए हमारी मम्मी जी भी कह रही हैं खाना बहुत अच्छा बना है, सकपैता बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों आप भी खाने के लिए आ जाइए। आज की वीडियो हमारी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जब आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। आप लोग पूरी वीडियो देखते हो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार।